हेलो दोस्तों, मैं विकास। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो हमारा जो बॉडी एलिमेंट है उसमें कैसे हम लोग अबाउट अस सेक्शन को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। अभी तक हमने जो इसमें टॉप हेडर क्रिएट कर लिया है, स्लाइडर ऐड कर लिए हैं और फुटर सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग बॉडी सेक्शन में अबाउट अस सेक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। अबाउट अस सेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में, वो कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या सर्विसेज देती है, उसके बारे में अबाउट अस सेक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं। मोस्टली हम लोग जब होम पेज बनाते हैं तो अबाउट अस सेक्शन को इसमें ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि बंदा यूजर या कस्टमर, कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को देखे तो वो आपके वेबसाइट पे होम पेज पर आपके बारे में पढ़ सके कि आप लोग क्या हो, क्या सर्विसेज देते हो, कैसे क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग मार्केट में देते हो। तो ये चीज आज हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा कि कैसे हम लोग अबाउट अ सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं होम पेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अनेबल विजुअल बिल्डर करना होगा। ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट है हम लोग डिवी थीम में बना रहे हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, डिवी प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, न्यू सेक्शन क्रिएट करते हैं, रेगुलर में जाते हैं और सेक्शन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम का ऑप्शन होता है। आप कोई भी डिजाइन जिस अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, जो भी सेक्शन, वो यहां से चूज ऑन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है मैं टू कॉलम सेक्शन को सेलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं कंटेंट, मुझे टेक्स्ट कंटेंट को लेना है और यहां पर मैं इमेज सेक्शन लूंगा, कोई भी अबाउट अस या जो भी हमारी सर्विसेज है उससे रिलेटेड कोई भी इमेज हम यहां पर लगाएंगे। तो इमेज लगाने के लिए हमारे पास जो सिस्टम में हमारे पास इमेज है उस पर जाएंगे और एक अच्छी सी इमेज पिक करेंगे। थोड़ा सा काम कर लेते हैं फोटोशॉप में। या खुल रहा है, यहां पर जो भी हम अबाउट सेक्शन में इमेजेस लगाने वाले हैं उसको थोड़ा साइजेस वाइज या क्रॉप कर लेते हैं या जो भी चीजें हमें करनी है उस इमेजेस में थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। इस इमेजेस को जैसे कि मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो पिक कर लेते हैं। ये फोटोशॉप है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे फोटोशॉप को का यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं इस इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ, इतना सेक्शन ले लेते हैं जिसमें ये इमेजेस है आपकी, इसको फिर से सेव कर लेते हैं और अब हम इसको यूज कर लेते हैं। मेरा इंटरनेट स्लो है, थोड़ा टाइम ले रहा है। या इमेज क्रॉप कर लिया है, यहां पर आप ऑल टैग लिख सकते हो। ऑल टैग बेसिकली हम लोग इमेज को डिफाइन करने के लिए करते हैं, जो हमारे सर्च इंजन होते हैं जिससे कि वो हमारे इमेज को पढ़ सके। G-I-N-C-O-G-N-Infotech।
ठीक है, और थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। जैसे हम लोग ये चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इमेजेस है और ये अबाउट अस या कोई भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, तो इसको कर लेते हैं, या ये ले लेते हैं, या ये भी ले सकते हैं। इसको और एनिमेशन लगा देते हैं इसमें, इस तरीके से जूम करेगा, या ये जब भी ओपन हो इस तरीके से नीचे से आएगा, या डाउन बॉटम ऊपर से आएगा, इस तरीके से कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, H1 यूज कर लेते हैं, अबाउट या वेलकम टू कोजियन इंफोटेक। इस हेडिंग को दुरुस्त कर लेते हैं। मैं एक्सो फॉन्ट लेकर चल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, उसका फॉन्ट साइज ब्लैक कर लेते हैं जिससे वो अच्छा लगे। और उसके बाद एक और टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर एड ऑन करने के लिए, और इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं जिससे कि टेक्स्ट मेरा अच्छा लगे और मेरा जो फॉन्ट है वो 16 हो, 16 इज द इनफ। और बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं फॉन्ट को और सेव कर लेते हैं। तो टेक्स्ट आपको जो मेरी पुरानी वेबसाइट है, ये मेरी पुरानी वेबसाइट है, इसको यूज कर लेते हैं, इस कंटेंट को कुछ इंपोर्टेंट इज डिजिट इज इट, इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं टेक्स्ट को कन्वर्ट से केस के साथ। ये एक ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू आप लोग टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेटेड कर सकते हो या सेंटेंस केस कर सकते हो। ये इस तरीके से आप इसको फॉर्मेटेड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कर लिया है। ये मेरी कुछ सर्विसेज हैं, इसको फॉर्मेटेड कर लेते हैं, फॉन्ट इनका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे कि वो अच्छा लगे। मैं ये फॉन्ट कलर यूज करूंगा अपनी वेबसाइट में, यहाँ से पिक कर लेते हैं फॉन्ट कलर को, जो लोगों का कलर है ये, और यहाँ पे ये हम इस तरीके से देख रहे हो। तो जो और सर्विसेज हैं वो यहाँ पर एड ऑन हो चुके हैं, इसको चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग भी लिख यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये HTML टैग हैं, HTML टैग हमेशा ओपन के साथ क्लोज करना जरूरी होता है इस तरीके से। और इसमें एक और सेक्शन ले लेते हैं अबाउट अस, यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे ये है इन,
business need content writer to provide efficient, इसको ले लेते हैं ना सेक्शन को और ऊपर वाले को अपडेट कर देते हैं इस तरीके से। सॉरी इसको पहले फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ पे सेंटेंस के इसमें और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो अबाउट अ सेक्शन होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आप इजीली जो बॉडी सेक्शन में अबाउट अ सेक्शन को क्रिएट कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और आने वाले वीडियोस में मैं और भी इसमें और भी सेक्शंस ऐड करूंगा, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।